जीएसटी को लेकर व्यापारियों में बड़ा रोष देखा जा रहा है, जिससे सबसे बड़ा नुकसान कपड़े व्यापारियों को हो रहा है। अन्य व्यापारी भी जीएसटी के चलते भरे जाने वाले टैक्स को लेकर परेशान हैं, जिसके चलते चंडीगढ़ में व्यापारियों ने रोष प्रदर्शन करते हुए अपनी दुकानें बंद रखी और काली पट्टी बांधकर जोरदार प्रदर्शन किया। जीएसटी के फैसले को केंद्र सरकार बड़े फैसले के साथ इसे ऐतिहासिक फैसले के रूप में देख रही है, लेकिन व्यापारी इसके विरोध में सड़कों पर रोष प्रदर्शन करते हुए मांग कर रहे हैं कि इसमें रखे प्रावधान को दोबारा जांच कर बदलने की जरूरत है। उन्होंने इसको लेकर सेक्टर 22 से सेक्टर 17 तक मार्च भी निकाला। जीएसटी में सबसे बड़ा नुकसान कपड़ा व्यापारी देख रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि सरकार को इसको लेकर 6 माह पहले एक ड्राफ्ट लेकर आना चाहिए था। व्यापारी को क्या, एक्साइज टैक्सेशन के अधिकारियों को भी अभी जीएसटी की पूरी जानकारी नहीं है, जो दिखाता है कि सरकार क्रेडिट लेने के चक्कर में व्यापारियों को नुकसान पहुंचाने में तुली है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम जीएसटी का विरोध नहीं कर रहे। सारे हिंदुस्तान में हमारे ऑल इंडिया व्यापार मंडल भी, जो हमारा भारतीय उद्योग व्यापार मंडल है, वो भी विरोध उसके अगेंस्ट नहीं है। पर उसमें जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, जो रेट ऑफ टैक्सेस आए हैं, उन पे हम विरोध कर रहे हैं। जैसे आज हमारा विरोध करने का कारण, होलसेल जो कपड़ा व्यापारी हैं उन पे पिछले 60 साल पे इस पे टैक्स नहीं था, उन्होंने 5% टैक्स लगा दिया है। जबकि कपड़ा व्यापारियों की ये डिमांड है कि हम टैक्स देने को तैयार हैं, मगर ये टैक्स जो है फर्स्ट स्टेज पर लग जाए, भी चाहे वो 5 का 12% लग जाए, जो यान है यान के ऊपर टैक्स लग जाए उसी हिसाब से, ताकि जो कपड़ा जिस हिसाब से भी वहाँ से बन के आएगा, जिस रेट पे भी आएगा, हम उसको बेचेंगे। आज हमारा इकट्ठे होने का एक सबसे बड़ा कारण ये था। और कल ही हमने, आपकी जानकारी के लिए, हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सभी को हमने लेटर लिखा है। हमारी डिमांड है उसमें कि जो हमारा रेट ऑफ टैक्स है, जो 28% की स्लैब है, उसको ख़त्म करके सभी ट्रेड्स को अप टू 18% तक उस स्लैब में लाया जाए। और दूसरा, इसको जो टू रिवोक जो जीएसटी ऑन टेक्सटाइल है, उसके लिए डिमांड रखी है। और जो पनिशमेंट की क्लॉज है, वो एक व्यापारी आत्मसम्मान रखता है, व्यापारी क्राइम नहीं करता, चोर नहीं है। हम चाहते हैं कि ये पनिशमेंट वाली क्लॉज वो भी ख़त्म होनी चाहिए। और भी ऐसे, जैसे 20 लाख के उन्होंने एक स्टेज रखी है कि जिस पे जीएसटी नंबर नहीं लेना चाहिए पड़ेगा, उसके लिए हम चाहते हैं कि 50 लाख की जाए। और जो 20 से 75 लाख में 1% स्टेट फ्लैट टैक्स दे के जो क्लॉज है, इनकी स्लैब है, उसको 1 करोड़ रुपये किया जाए। और ऐसी और भी 3-4 हमने मेमोरेंडम जो लिख के भेजा, उनको ईमेल के थ्रू और हार्ड कॉपी भी भेजी है, तो हमने उनको अपनी डिमांड रखी है। जीएसटी का देखो जी, मैं पहले कहा सी विरोध नहीं कर रहे, असी वेलकम किया, वन नेशन वन टैक्स है। बट जीएसटी जो कमियां पेशियां, असी उसका विरोध कर रहे हैं। जेडे साडे कपड़ा व्यापारी है, उन्हें उत्ते 5% टैक्स थोप दिता गया, वो जो कि सरासर गलत है, क्योंकि पहले इससे कोई टैक्स नहीं सीगा। उधर फर्नीचर वाले साडे भरा है, उत्ते 12% से 28% करता। फिर एक जेल की एक प्रोविजन रखी इंप्रिजनमेंट की, वह भी गलत है। तीजी गल सर यह है भी जो डिपार्टमेंट है एक्साइज एंड टैक्सेशन, उन्होंने भी कोई नॉलेज नहीं है, ना व्यापारी नॉलेज है। फिर किस तरह लगा सकते हैं? कपड़ा तो ऑल ओवर इंडिया एजिटेशन चल रही है, और ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। व्यापारी कौम ऐसी है जी, गवर्नमेंट बनाती भी है, रेवन्यू भी व्यापारियों तो ही आता है। जे व्यापारी नाराज होकर बह गया तो गवर्नमेंट नहीं चलनी, रेवन्यू नहीं आना। ये साड़ी रिक्वेस्ट है, इन्होंने वाले स्थगित किया जाए। चंडीगढ़ से बलविंदर आर्या की रिपोर्ट, नेशनल बस के लिए।